दो पॉइंट्स जीते हैं वुल्फ्स ने, एक पॉइंट जीता शार्क्स ने। नेक्स्ट है आज का एक्टिंग सेगमेंट। सबसे पहले एक्टिंग करने के लिए आएंगे टीम वुल्फ्स, दूसरे नंबर पे होंगे शार्क्स, तीसरे नंबर पे होंगे लेपर्ड्स और आखिर में आएंगे टाइगर्स। चलो सबसे पहले हैं वुल्फ्स। एक लड़के की अगले महीने शादी है मगर वो पागल हो गया है। अब उसको परिस्तान जाकर किसी परी से शादी करनी है। परिस्तान, परी परिस्तान, जहां परियां रहती हैं। कहाँ है ये? ऊपर कहाँ? अच्छा हाँ, मायके बोलो ना, क्या बनाया है उमर? परिस्तान भी है दुनिया में, इमेजिनेशन है। अगले महीने शादी होने वाली है, लड़के का जो है वो पागल हो गया है, अब उसको परिस्तान जाकर किसी परी से शादी करनी है। तुम ये कैसे कर सकते हो? लड़की बोल रही है, हमारी 10 साल की मोहब्बत का क्या होगा? जो भी है, मुझे उड़ने वाली परी से शादी करनी है। मैं इसके परों पर बैठकर पूरे परिस्तान की सैर करूंगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगी। लड़की कहती, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। लेकिन उसको शादी किससे करनी है? परी से। परियां होती हैं? एक है मेरे घर में, चलो आओ जल्दी से। दो हैं इनफैक्ट, एक छोटी एक बड़ी, आ जाओ जल्दी से। वुल्फ्स आए हैं, रेडी? समझ आ गया? 60 सेकंड है, रेडी गो गाइस। अली इधर आए। अली सुने, आप कौन हैं? बाजी आप कौन? 10 साल की मोहब्बत हूँ तुम्हारी। बाजी आप कौन? ये बाजी कौन है? झूठ नहीं, कल आप मिली थी मुझे, मैंने आपको बाजी बोला था, सब्जी लेते हुए देखा था मैंने आपको, बड़ी बाजी मेरी। इसका माइक चल रहा है? माइक नहीं चल रहा, माइक नहीं चल रहा। राज भाई माइक नहीं चल रहा उसका यार। दोबारा से होगा, 60 सेकंड है, रेडी। और माइक करीब करके बोलना अली, रेडी गो। अली सुने, सुने आप कौन बाजी? तुम्हारी 10 साल की मोहब्बत कौन, क्या कौन? मैंने कब मोहब्बत की? 10 साल से क्या तुम चन्ने बेच रहे हो? नहीं बाजी, मुझे हमारी अगले महीने शादी है। नहीं नहीं बाजी, मुझे आपसे शादी नहीं करनी, मुझे तो परिस्तान जाना है और वहाँ पे परियों से शादी करनी है, उसके पर पे बैठ के उड़ना है उसके साथ साथ, तो तुमसे शादी करूँगा। तो जो 10 साल से मुझे झूठे मोहब्बत के वादे कर रहे हो, रोज चॉकलेट लेके आ रहे थे मेरे लिए, हैं? उनका कब, क्या हुआ? ये कब किया मैंने, कहाँ पल्ले पड़ गई ये? जो रोज़ बाजी खुद पैसे देके खरीदती थी। नहीं, 10 साल से नहीं, तो यही हो रहा है, अब बाजी, परियों से शादी करनी है? बाजी आपको गलतफहमी हुई है, आप किसी जाके बुड्ढे से शादी करें। मैं तुम्हारे मुझे परी से, मुझे परी से शादी करनी है। प्यार करती हूं। नहीं नहीं मुझे परी से शादी करनी है, पर उसके पर पे बैठ के उड़ना है उसके साथ साथ हवा हवा में। हमारी 10 साल की मोहब्बत का क्या होगा? अबे कौन है ये लड़की, पागल लड़की, क्या हो गया तुझे? मुझे नहीं, मुझे टाइम अप। चलो भाई बारी किसकी है? चलिए जी नेक्स्ट है टीम शार्क्स। अब्बू मुझे मामू की शादी में फायरिंग करनी है, बड़े वाले बम फाड़ने। अब्बू गुस्सा करेंगे, इंसान बनो, तमीज़ वाले काम करो। अब्बू को मछली वाला काला चूरन बहुत पसंद है और वो सिर्फ बेटी को बनाना आता है। ठीक है फिर आप चूरन खाना छोड़ दें, बेटा फायरिंग करना तो अच्छी बात है, हम दोनों मिलकर बम फाड़ेंगे, तुम मछली वाला चूरन बनाओ। अच्छा मछली वाला काला चूरन, काराज काला चूरन इनको बहुत पसंद है, ठीक है बनाती लेकिन बेटी है। अब बेटी ने, जब तुमने बेटी को मना किया कि नहीं ये क्या तमीज़ से काम करो, तुम क्या बम बम फाड़ोगी और ये क्या तुम फायरिंग वायरिंग का बोल रही हो, उसने कहा ठीक है अब मैं नहीं बनाऊंगी, जाके खुद बना लें। अब तुमने कहा नहीं नहीं ठीक है फिर हम, आप चूरन खाना छोड़ दें, बेटा फायरिंग करना तो अच्छी बात है, एकदम से तुम पलट गए हो। अबू मुझे मामू की शादी में फायरिंग करनी है, बम फाड़ने। चलो चलिए जी, एक मिनट है आप लोगों के पास, रेडी गो गाइस। अरे आज तो मेरी चमक चमक आज चमक तो गई। की शादी। अबू आज मुझे ना बम फोड़ने मामू की शादी में, इतने सालों बाद हो रही है, कब से मैं देख रही हूँ मामू की शादी, कि मामू की शादी हुई नहीं, आज मुझे बम फोड़ने फायरिंग करनी है। अरे बेटा पागल हो गई हो क्या, फायरिंग करनी है बम फाड़ने हैं ऐसे के जैसे आसान बात है? अरे फायरिंग और बम फाड़ना बुरी बात है, डेंजर आ जाएगी, पकड़ के ले जाएगी। कुछ नहीं होना, मुझे बम फाड़ने है ना। अच्छा मेरा ना दिल कर रहा है वो मछली वाला कारल चूरन खाने का। नहीं 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 नहीं, अगर आप मुझे बम नहीं फाड़ने देंगे तो मैं भी चूरन नहीं दूंगी आपको बेटा, और आपको पता है मेरे अलावा कोई नहीं मिलेगा। अच्छा एक काम करो, तुम बनाओ चूरन, उसके बाद दोनों फायरिंग करेंगे और बम भी फाड़ेंगे एक साथ, ठीक है? पक्का पक्का पक्का। तुम अंदर जाओ फटाफट, ठीक है चूरन बनाओ, मैं तब तक जो है वो बम लेकर आता हूँ। सही है। अरे बम कहाँ है, बम कहाँ है?
मेरे पास टाइम कितना रह गया? ओह माय गॉड, 7 सेकंड। ये ले चुरा, जान ले, जान ले। ये भी, ये भी, ये भी। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। चुरा चटवा रही हो क्या? चटवा रही हो? बारी किसकी है? अगर मरीज को करंट के झटके नहीं दिए तो वो मर जाएगा। लेडी डॉक्टर इसको सर पर और सीने पर हाई वोल्ट के झटके देगी, फिर वो मछली की तरह तड़पेगा, फड़फड़ाएगा। जैसे ही वो होश में आएगा, डॉक्टर को बेगम बोलना शुरू कर देगा। डॉक्टर, लेडी डॉक्टर मुंह पर थप्पड़ मारते हुए, मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ बेगम नहीं, याददाश्त खो बैठा है और कहा यही मेरी बेगम है, अब मैं इन्हीं के साथ घर जाऊँगा। पहले बेहोश हो, ऐसी बीमारी है कि करंट देना है सीने पे और सर पे। चलो लपट जाएं एक्टिंग करने के लिए, हंसना नहीं, तुमने थप्पड़ मारना है जब ही उठेगा। बेगम नहीं हूं मैं। रेडी गो गाइस। अल्लाह बेचारे, इसको हो क्या गया है? शॉक देना पड़ेगा मुझे लग रहा है। भाई आप ठीक हैं? बेगम, सलमान को स्कूल नहीं भेजा तुमने आज? हाँ, मैं आपकी बेगम नहीं, मैं आपकी डॉक्टर हूँ। तुम मेरी बेगम हो, मजाक नहीं करो। और ऐसे झटके मारे तुम्हें, मारने के लिए मार रही थी? मैं आपकी डॉक्टर हूँ, बेगम नहीं। और हमजा के लिए दूध क्यों नहीं गर्म करा तुमने? आपका लगता है आपको इतने दोबारा झटके देने पड़ेंगे? आपका दिमाग हिल चुका है। झटका तो तुम्हें अब दे रही हो मुझे। भाई भाई किसको बोल रही हो? आपकी, मैं डॉक्टर हूँ, आपका दिमाग खराब हो चुका लग रहा है। यासिर के बारे में तुमने सोचा नहीं? कौन यासिर? पागल वागल हो गए? अपना बेटा यासिर यार, उसकी मिस ने मेरे को बोला था तुम्हारी मम्मी को लेके आना। आप पागल हो गए हैं आप? दोबारा आपको झटका देना पड़ेगा? किस बात का झटका देने का बोल रही हो यार? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम मेरी बीवी हो। टाइम अप, टाइम अप। आम ना उतरन। बारी किसकी है? लड़का जो है लड़की का हाथ मांगने इसकी वालदा के पास आया है। आंटी मुझे आपकी बेटी पसंद है, उससे शादी करना चाहता हूँ। लड़के का चांद पर ज़मीनों का कारोबार है, मगर मेरी बेटी को कुल्फ़ी वाले से शादी करनी है, क्योंकि मेरी बेटी को कुल्फ़ी बहुत पसंद है। वो दिन रात कुल्फ़ी खाती है। तुम वो कुल्फ़ी नहीं बना सकते जो एक कुल्फ़ी वाला बना सकता है। लड़के का चांद जमीन बेचता है, ये किसने लिखा है यार? मतलब कि चांद बेच दिया उसने पूरा। लड़के का यही इस दुनिया के अंदर ही जमीने जमीनों का कारोबार है। सही है, तुम प्लॉट्स की सेल करते हो और उससे पैसे कमाते हो, लेकिन जो लड़की है उसको कुल्फी से इश्क है। तो वो उसकी माँ कह रही है कि वो उसने कह दिया है कि सिर्फ उसी लड़के से शादी करेगी जो कुल्फी बनाना आती हो। तुम्हें बनाना आती है या नहीं? तुम आखिर में हो सकता है एकदम से बोलो, अरे आंटी मैं तो जो ज़मीनें बेचता हूँ वहाँ कुल्फी के तो कारोबार है मेरा, एकदम पलट जाना। चलो रेडी गो। आज तो बस रिश्ता किसी भी तरह से जो है मांग के आऊँगा। माइक करीब करके। आज तो बस इसका रिश्ता लेकर आऊँगा कुछ भी हो जाए। टिंग टोंग, टिंग टोंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं नुसरत बेगम? मैं आपका पड़ोसी, पिछली गली में ही रहता हूँ। मैं ठीक, आप बताएं आप किस काम से आए यहाँ पे? मैं दरअसल वो आपकी जो बेटी है ना, वो मेरे गली में ही एक स्कूल है, वहाँ पर जो है वो पढ़ने आती है ना, तो उसका रिश्ता लेने के लिए आया हूँ। अब मैं देखें, आप मुझे पता आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे उठ के आ गए, ऐसे कैसे अपनी बेटी का हाथ दे दूँ? मेरी प्लॉटिंग का काम है, मेरे जो है ना प्लॉटिंग की जगह पर काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने अपने प्लॉट्स बुक करवा के रखे हुए हैं। शाताज का एक प्लॉट है वहाँ पे, जैन ने भी लिया है वहाँ पे। बट मेरी बेटी कुल्फी वाले को पसंद करती है, हम लोग बहुत लहीम शहीम है, सुबह शाम खुद भी खाती है और हमें भी खिलाती है। अगर तुमसे शादी कर दी तो हमें कुल्फी कौन खिलाएगा? अब पर मेरे प्लॉट का काम है, कुल्फी वाले से तो अच्छा कमाता हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी ने कह दिया है कुल्फी वाले से शादी करनी है। चलिए जी बताइए, आप लोग बताइए पहले कि ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस किसकी थी, फिर मैं बताता हूँ। जी दानिश भाई, इसमें बहुत सारी चीजें जो बहुत सारे लोगों आपको ज्यादा हाँ एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस किसकी लगी, बस वो बताइए। लेकिन जो ओवरऑल जो हमें अच्छी लगी वो शार्क्स की लगी। शार्क्स की लगी, सही है। बाकी आप बताइए जी।
अच्छा वुल्फ्स तुम लोग अंडर परफॉर्म करके गए हो जबकि तुम्हें दूसरा मौका भी मिल गया था, फिर भी तुम उसमें चीज़ें ऐड कर ही नहीं सके। अली जो था सिर्फ बोलता रहा कि मैं परियों से शादी करूंगा, पर पे बैठ के उड़ता रहूंगा, कोई चीज़ और ओवरलैपिंग बहुत थी। जहां अली कुछ बोल रहा था फिर सारा बोलना शुरू हो जाती थी। एक दूसरे को एक्टिंग का मार्जिन तो दो, जब वो ख़त्म करे अपनी बात तब तुम्हें शुरू करनी चाहिए थी, यहां तुम्हारी गलतियां थी। शार्क्स शानदार एक्टिंग करके गए, शुरू में जब आए तुम लोग तो नर्वस थे, तुम लोगों ने पॉइंट्स जीते आखिर के 10-15 सेकंड्स के अंदर। शुरू में जो थे वो तुम लोग उस तरह एक्ट नहीं कर पा रहे थे जिस तरह उसामा और फजीला करते हो, लेकिन सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया इन लोगों के मुकाबले में। टाइगर्स के पास सिचुएशन बहुत ही मजे की थी, तुम लोग पता नहीं वहाँ क्यों गए, वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। और तुम माइक को करीब करके जब तक नहीं बोलोगे तुम्हारे डायलॉग समझ में ही नहीं आएगा। सिंपल सिचुएशन थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें तुम ऐड कर सकते थे, तुमने एंड भी नहीं किया सिचुएशन का, सिर्फ यही बोला कि मुझे चाहिए, और तकरीबन 21 सेकंड्स रह गए थे जब इसकी बारी आई है, इतना ज़्यादा तुम टाइम खा गए। लेपर्ड्स की तरफ से सिचुएशन बहुत अच्छी थी, लेकिन आमना तुम हंस गई थी बीच में, प्रॉपर हंसी थी तुम जब मैं यहाँ खड़ा हुआ था और तुमने उसको कवर करने के लिए एकदम से तुम सही भी हुई हो, और उसके बाद जब तुम हंस गई, जब तुम कैरेक्टर में वापस आई हो। शुरू में जब तुम आई थी, और एक चीज़ ये कि उमर अगर आया था तुम एक डॉक्टर थी, और डॉक्टर जब आएगी अच्छा ये मरीज है मैं चेक करूँ इनको क्या हुआ है, तुम बिल्कुल ऐसे आए जैसे तुम्हें कोई आदमी ज़मीन पर पड़ा हुआ मिल गया है और तुम चेक कर रही हो उसको, यहाँ तुमसे गलती हुई है। और हंसना नहीं है कैरेक्टर के अंदर, डॉक्टर के पास सामने अगर मरीज है और वो सिचुएशन के अंदर है कि तुम उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे रही हो तो हंसना तो बनता ही नहीं, वो कैसी भी एक्टिंग करे, यहाँ तुमसे गलती हुई है आमना। फिर से मेरे हिसाब से 2 पॉइंट्स तुक्के में जा रहे हैं तुम लोगों के साथ शार्क्स, क्योंकि परफॉर्मेंस इतने मजे की नहीं थी, इन लोगों से गलतियाँ हुई हैं। 2 पॉइंट्स जाएंगे यहाँ पर, तुम लोगों ने अपनी सिचुएशन सिचुएशन ही पूरी नहीं हुई। कब तो उसने बोला कि वो उस लड़के से शादी करेगी मेरी बेटी जो कुल्फी का कारोबार करता होगा, तुम करते हो या नहीं करते, उसने ये तक नहीं बोला, ये भी बोलना था सिचुएशन के अंदर था, ये भी नहीं था। हाँ तो कह रहा हूँ नहीं कहा, सिचुएशन पूरी नहीं की, नहीं था, नहीं था, था। तुम वो कुल्फी नहीं बना सकते जो एक कुल्फी वाला बना सकता है, सिचुएशन थी ये, नहीं बोला सिचुएशन पूरी नहीं की तुम लोगों ने, इस तरह ये तुम लोग बाहर हो गए हो। तुम लोगों की परफॉर्मेंस जो थी वो बिल्कुल मीडियोकर सी थी, कुछ नहीं था उसके अंदर, सिर्फ तुमने सिचुएशन पूरी की है। 2 पॉइंट जाएंगे शार्क्स, 1 पॉइंट जाएगा वुल्व्स के साथ। अगर मैं तुम लोगों को आज 1 पॉइंट देता हूं तो कल जितनी टीम्स हैं अगर वो बीच में हंसेंगी तो मुझसे बोलेंगी कि मुझे भी 1 पॉइंट दिया जाए। यहां पर तुमसे गलती हुई है, गलती नहीं होनी चाहिए थी, हो जाएगा इस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।